हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। उसमें आपको बताऊंगा जो पिकासो बा कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको कैसे आपका स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल करना है। ये प्रोसीड्योर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। उसके लिए आप पूरा वीडियो को पूरा फुल टाइम चेक कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। नहीं तो क्या ना, आप उसको स्टेप आपको छूट जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या इशू था, किस लिए हम लोग बात कर रहे थे, क्या स्टेप बाय स्टेप था, मिस करेंगे बाद में आपका प्रॉब्लम आएगा। तो फ्रेंड्स, इस मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं दिखाता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो में ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, तो चलिए मेरा वीडियो का मैं चलते जाइए, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्मार्ट टीवी है और आपको कोई भी स्मार्ट टीवी होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए तभी आपका ये सक्सेस हो पाएगा। वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए तभी होगा। और फ्रेंड्स, तो पहले क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है, ये एप्लीकेशन का जो ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, पिकासो का भी ये इंस्टॉल कर रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो सब हाईलाइट में दिखा दिया, तो अभी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करके यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले यहाँ पे कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए। जैसा मेरा यहाँ पे सपोज एक जियो पेज का ब्राउज़र है, आप देख पा रहे हैं, जियो पेज का ब्राउज़र देख पा रहे हैं आप इधर। ये जियो पेज का ब्राउज़र से आपका आपका बस जो ब्राउज़र है, आपको ब्राउज़र में जाना पड़ेगा और जाने के बाद आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। मीन्स जैसे मेरा जियो ब्राउज़र आपको देख रहे हैं, या फिर आपको मैं बैक कर लेता हूँ। इसमें आपको कुछ हम लोग का YouTube का कुछ गाइडलाइन है, तो आपको मैं डायरेक्ट दिखा नहीं सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना बता देता हूँ, कोई ब्राउज़र में जाकर नॉर्मल स्टेप है और कुछ नहीं। ब्राउज़र में जाना है, आपका जो पिकासो का है एप्लीकेशन सर्च करना है डाउनलोड बोल के, तो आपका जो आएगा नॉर्मल स्टेप है, फाइल को डाउनलोड करना है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन क्या है, इशू क्या होता है, मेन जवाब बता रहा हूँ। इशू क्या होता है कि जो आपको फाइल नहीं मिलता है, जो कहाँ पर इंस्टॉल हो गया, इसलिए आपको डाउनलोड करना है कहाँ, फाइल मैनेजर। ये देखिए, फाइल मैनेजर आपको डाउनलोड करना है यहाँ से, स्मार्ट टीवी में और स्मार्ट मैनेजर से यहाँ पे होगा ही आपका, आपका इसमें टीवी में होगा। ओके, ये फाइल मैनेजर में क्लिक करेंगे। देखिए, इसके अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। सपोज फाइल मैनेजर का कुछ ऐसा इशू आता है दोस्तों, आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद आप जब ट्राई करेंगे, कुछ आपको ऐसा फाइल नहीं मिलता है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि फाइल मैनेजर कहाँ मिलेगा। वो तो जनरली आपको यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा, जो इनबिल्ट रहता है स्मार्ट टीवी में। सपोज़ फिर भी आपको नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, मैं जाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है ना, आपको जाना है डाउनलोड्स में। ये देखिए, डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स ऑप्शन में जाना है, फिर क्लिक करना है। देखिए क्या, मैंने बहुत सारा अपडेट करके रखा हूँ, नीचे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन है, देख सकते हैं, ये दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को और मैं ज़्यादा कुछ ही नहीं दिखाता हूँ, एप्लीकेशन लोड है, देख रहे हैं। अब इसमें वो जो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, फिर इसमें क्लिक करके जस्ट सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे तो आपको आपका इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो टीवी है उसमें आपका लोड हो जाएगा, फिर आपको वहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, मैं इंस्टॉलेशन वाले सब नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस यूट्यूब का जो हम लोग कंटेंट क्रिएटर के लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आपको वह सब EXT फाइल डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको सिंपल दिखाया। और जो मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाया, इसमें आपको जरूर हो जाएगा सिंपल स्टेप। जो मेन बात है आपको बता रहा हूँ, मेन बात आपको क्या है, एक फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है और पहले तो ब्राउज़र में जाना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद फाइल मैनेजर में जाके उसको क्लिक करके वहाँ इंस्टॉल करना है। ये सिंपल प्रोसीड्योर है। फिर आपको EXT फाइल में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का जो जो प्रोसीड्योर है जो आपको खुलता रहेगा। और ये जो है ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है आपका भी सेम प्रोसीड्योर है। आप सर्च करेंगे, सब जो प्ले स्टोर में नहीं है, आप सर्च करेंगे ब्राउज़र में, इंस्टॉल करेंगे, फिर आप फाइल मैनेजर में आएंगे, आके इसको एक खोल के ओपन करेंगे, फिर यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, सेम प्रोसीड्योर सबके लिए। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा वीडियो। और आपका वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करके बताइएगा, और चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, टाटा, बाय बाय।